विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां सिमरिया तहसील के हरदुआ खरीदी केंद्र में दुई पक्षन में जम के कहा सुनी नोक झोंक और मारपीट भई। बताई दे कि शराब पी के आए कुछ लोगन के द्वारा सेल्समैन के साथ जम के मारपीट और गाली गलौज कीन गा है, जेकर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होत लाग है। बताई दे कि ए दिनन धान खरीदी केंद्र और धान रिजेक्ट करे कल्लई के खूब विवाद हो रहा है। यही के नतीजा रहा के हरदुआ खरीदी केंद्र पहुंचे कुछ लोगन के द्वारा जम के उत्पात मचावा गया है। अपना पंचे स्वयं देखी यह वीडियो, जेका देख के अनुमान लगा ले कि इहन गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सका थी। ऐसने मां प्रशासन का चाहिए कि इहन सख्त कदम उठावा जाए। राजन सुनो, नहीं नहीं मेरे मंडी में नहीं, राजन मंडी में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़े गलत किए तुम, बड़े गलत किए हो, सुनो तुम लोग गलत किए हो। अरे सर के 2 रुपये है, 2 रुपये लगा, पुलिस लगाओ, फोन लगाओ, अरे पुलिस को बुलाओ, खबर रीवा जिला से ही, जहां आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामला में चतुर्थ सत्र न्यायाधीश न्यायालय में दोषी का कारावास और अर्थदंड से दंडित कहीं नहीं। बताए दे कि 8 अप्रैल 2015 का राघवेंद्र चौधरी काम सरियत मोहल्ला थाना सिविल लाइन के रहे वाले आही, जे अपने घर में कीटनाशक खा लिए रहे हैं, जे के कारण ओखर मौत हो गए। पुलिस के द्वारा जब जांच कीन गए तो युवक के पत्नी सावित्री और धर्मेंद्र निवासी पांडेन टोला से अवैध संबंध के बाद सौहे आई ही। बताई दे कि यह बात की जानकारी युवक का हो गई रही ही, यही ग्लान वर्ष युवक खुदकुशी कर लिए रहा। बताई दे कि पुलिस दोनों के खिलाफ धारा 306 में मामला दर्ज करके चालान न्यायालय में पेश की। न्यायालय दोनों पक्षन के दलील सुन के आरोपी पर अपराध बराबर सिद्ध पावागा, जेके बाद उनका 5 साल के सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित कीन गा है। बताई दे कि अर्थदंड जमा ना करे पर 15 महीना के और सजा भुगते पड़ी। ये थाना सिविल लाइन का मामला है, इस पे धर्मेंद्र विश्वकर्मा उर्फ धर्मू विश्वकर्मा और उसकी प्रेमिका सावित्री चौधरी, जो आंगनवाड़ी पांडेन टोला में सहायिका के पद पर पदस्थ है, इनको सजा पड़ी है। इसकी स्थिति ये है कि जो मुलजिम सावित्री चौधरी है, इसका विवाह हो गया था और इसका विवाह है 2 राघवेंद्र चौधरी के साथ हुआ था और ये पति पत्नी दोनों रीवा शहर में रहते थे और मुलजिम सावित्री चौधरी पांडेन टोला में सहायिका के पद पर पदस्थ थी। वहीं पर मुलजिम धर्मू उर्फ धर्मेंद्र विश्वकर्मा, जो जिसके विरुद्ध शहर में कई थानों में अपराध पंजीबद्ध है, बहुत दिनों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, ये इसके आपस में इससे संबंध हो गए और संबंध हुए तो ये सावित्री के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी सावित्री के पति को थी
सवित्री के पति ने इसका विरोध किया तो कई बार सवित्री और धर्मु विश्वकर्मा दोनों लोगों ने पति के साथ दोनों ने मिलकर के मारपीट की और पति की बातें जरा भी नहीं माने ये और अंततः जो है उसने जहर का सेवन करके और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जब इसकी जानकारी होती है 8/4/2015 को रात को 1 बजे इस बात की जानकारी होती है कि उसके परिजनों को कि इसने कुछ जहर का सेवन कर लिया है तो माता पिता अन्य लोगों को टेलीफोन लगाते हैं और लगाने के बाद उनको बुलवाते हैं। मृतक का मकान 2 मंजिले का था, उसको नीचे परिजन उसको लेकर के आते हैं और घर पर ही उसका देहावसान हो जाता है और इसकी सूचना सिविल लाइन थाना को दी जाती है। सिविल लाइन इस पर मर्ग कायम करता है। सिविल लाइन थाने में मर्ग क्रमांक 16/2015 का कायम किया गया और प्रकरण की विवेचना चालू की। चालू करने के बाद अपराध सिद्ध पाया गया जिस पर थाना सिविल लाइन ने अपराध क्रमांक 763/15 धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया धर्मेंद्र विश्वकर्मा एवं सवित्री के विरुद्ध। और ये जो इसका मामला पंजीबद्ध किया 23/12/2015 को पंजीबद्ध किया और 9/7/2016 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया और 7/6/2017 से इस पर साक्ष्य कराए गए और 14/12/2022 को दंडादेश दोनों के विरुद्ध पारित किया गया जिस पर धारा 306 दुष्प्रेरण का अपराध दुष्प्रेरण सिद्ध हुआ। माननीय न्यायालय में 15 साक्षी परिचित कराए गए और अंत में अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहा और इन्हें 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दोनों को दंडित किया गया। खबर सतना जिला से आवल्ला ही, जहां एक ठे बिटिया के कुआं में गिरे से सतना से लई के भोपाल तक हड़कंप मच गया। बताई दे कि स्टेट कमांडर सेंटर से आनन फानन में रेस्क्यू टीम भेजी गई जिसके बाद घंटन तक खाक छानी गई और कुआं के पानी बाहर निकाला गया, लेकिन शाम तक बिटिया कुआं में नहीं मिली। तब आस पास के लोगों के द्वारा बच्ची का अन्य जगह में ढूंढने खातिर कहा गया और तब बच्ची डरी सहमी अवस्था में अपने घरे के अंदर मिली। खबर रीवा जिला से आवल लाही, जहां दिसंबर महीना के शुरुआत के कड़कड़ाती ठंड से बचाव खातिर खुला आसमान में जीवन यापन करे वालेन का बचावे के खातिर समाज सेविन के कैसे कंबल का बाटा जात लाग है। बताए दे के शहर भर में आधी रात के घूम घूम के युवा नेता अविराज कैसे जरूरतमंदन का कड़ाके के ठंड में कंबल दीन जात लाग है, जहां लोग सांझ होते घरे चले जाते। ऐसने में युवा नेता अविराज अपने साथिन के साथ रात का निकल के ऐसने लोगन का कंबल दे थे जे के सड़क किनारे खुले में आपन जीवन यापन करत लाग है। एक काम के चरहू तरफ सराहना होत लागी। युवा समाज से भी बताएं कि यह सिलसिला लगातार 1 जनवरी तक चलत रही। रीवा जिला में अवैध खनिज निकाल के धरती के सीना खाली किन जात लाग है। यह खनिज पदार्थ का कईक अवैध क्रेशर संचालक के द्वारा उपयोग किन जात लाग है। उन्होंने क्रेशर संचालक के कैस से पर्यावरण का नुकसान पहुंचावा जात लाग है। बताए दे कि रीवा जिला के बनकुइया इलाका क्रेशर संचालकन के खीतिर पसंदीदा इलाका है। एकर कारण यह है कि बेला और जेपी सीमेंट फैक्ट्री के खदानन से चोरी के पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। लगातार इलाका से शिकायत मिलत रही कि क्रेशर संचालकन के द्वारा मानक के पालन नहीं किन जात लाग है, जिसके कारण प्रदूषण होता है। शिकायत मिले पर एसडीएम अनुराग त्रिपाठी, खनिज अधिकारी यत्नेश दीक्षित और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के एक संयुक्त टीम बनकुइया पहुंची और पहुंच के मौका मुआयना की, जहां क्रेशर संचालकन के कैस से नियमन के धज्जियां उड़ावत मिली है, जिनका संयुक्त अमले के कैस से समझाइश दीन गई, उन्होंने कैयन का नोटिस दीन गा है। कल ये कुछ बनकुइया क्षेत्र में जो हमारे हमारा राजस्व निरीक्षक वृत्त है, वहाँ पर ये शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ जो क्रेशर चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और आसपास प्रदूषण हो रहा है। तो हम लोगों ने खनिज अधिकारी के साथ में, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ में और प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों के साथ में हमने संयुक्त भ्रमण किया और वहाँ पर जिन क्रेशर्स में
प्रदूषण और धूल की जो गुबार उड़ रहे हैं उनको रोकने के लिए यदि प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, तो उसका निरीक्षण के दौरान पाया कि 2-3 ऐसे क्रेशर थे जहां पर ये जो एहतियातन शर्तें होती हैं क्रेशर संचालन करने की, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। तो उनको नोटिस भी जारी किया और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया है कि यदि ये ऐसी स्थिति पाई जाती है तो फिर आगे चल के उनके क्रेशर्स पे कार्रवाई होगी। नहीं, सील तो अभी नहीं किया है, अभी एहतियातन उनको बताया है कि यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो निश्चित रूप से सील करने की कार्रवाई की जाएगी। पहले कार्रवाइयां की गई हैं जहां पर हम लोगों ने सील किए हैं क्रेशर्स। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके प्रतिवेदन पर 133 की कार्रवाई की गई है, और यदि वैसी स्थिति दोबारा पाई जाती है तो फिर से कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिला के संजय गांधी अस्पताल में जहां एक नवविवाहिता के मौत के मामला सामने आवा है, वहीं मायके वाले ससुराल वालेन पर हत्या के आरोप लगाए हैं। बताई दे कि मृतका के मां मीडिया का यह बताइन के उनके बिटिया के शादी लॉकडाउन में लौर थाना के नवडिया गांव में भय रही। बतावा जात है कि ससुराल पक्ष के कई से मृतक का दहेज खीते लगातार परेशान कीन जात रहा है। मृतका के मां कहिन के बहुत दिना से दहेज के मांग कीन जात रही ही, जेखा लय के सास ससुर मृतका के साथ मारोपीट करे रहे हैं। यह विवाद के कारण मृतका जहर खा ली सी। अपना पंचन का बताई दे कि मृतक का नाम पूनम पटेल, पति अंगिरा प्रसाद पटेल है। उन्होंने यह घटना के बाद ससुराल पक्ष संजय गांधी अस्पताल पहुंचा है। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम करावा जात लाग है और अब पुलिस मामला के जांच करत लागी। अपना पंचन सुनी पीड़ित के मां का कहती ला है। हेमा देवी पटेल। बेटी का क्या नाम था आपका? पूनम पटेल। कहाँ गए आपका? गिद्रहाट। लड़की शादी कहाँ की थी? नौढ़िया। क्या घटना हुई है, जहर खा ली है, कैसे क्या लगता है आपको? सुबह 8 बजे के टाइम पे फोन लगाई हमारे पास। कब? 8 बजे। बोली मम्मी भाई लोग को बुला था। हम कहन का है कहीं अम्मी हम जहर खाए लहन है। हम कहन का है ऐसा कर इतना बोली है। फिर सास उनकर मोबाइल छुड़ा लीन कहीं तुम्हार बिटिया जहर खाए ली थी। हमार बिटिया नहीं खाई थी। कहुना मऊ गंजगर है दोनों लग के मारी हमारे बिटिया का। कौन कौन मारा है? सास और ससुर। और ननंद हमेशा कहा थी कि हमका दहेज चाहिए, दहेज वाली लड़की चाहती। पर्सनल बात सबसे ज़्यादा ननंद सास ससुर हमारे बिटिया को बहुत ज़्यादा कलबदाह करे हैं। पहले शादी कब किए थे आप? शादी हम लॉकडाउन में किए थे। सामान क्या क्या दिए? जितना सामान था मैंने सब दिया, सोफा और टीवी बस नहीं दिए, और सामान बाकी हम सब दिए, और गाड़ी नहीं दिए। हाँ, सामान की मांग कर रहे थे। सामान का मांग का इनकी मतलब समझीन की लड़की जो है तो बोला रही कि गरीब की लड़की ले आए कुछ नहीं मिला, हमका सोफा नहीं मिला, टीवी नहीं मिला। हमारे भी हमार लड़की बोलीस के सोफा टीवी सब हमार बाप दे ही, पहले तू घर बनवावा रखे के खातिर जऊ ना आवा तो फैले में के है वह नहीं रख के जगह आए तो सोफा टीवी कहाँ रखब है। पहले भी मारपीट की है? बहुत पतन किए उसके साथ, बहुत ज़्यादा बुला। पर साल अप्रैल में उसको 9 उपास कराए थे, सिंटेक्स था लैटरिन में, उसी लैटरिन का पानी हमारी लड़की 7 दिन पी थी। फिर फोन लगाई मम्मी हम खाना पानी बाहर हम मर जाई, हम अपने छोट वाले लड़का का भेजन तो बुलाए लिया तो 5-6 महीना रखन। फिर ओके बाद 5-6 महीना रखन फिर आए दमा धरे पचे सब कहाई लागे तो फिर भेज धन। मतलब हम जौने दिन भेजन वह दिन हम एडमिट रहन हॉस्पिटल में, लड़की के पापा रहे तो बोले आपसे बताया करती थी जो भी उसके साथ घटना घटी होती थी। और घटना घटी अस्पताल मानती बताई समान लड़की हमका कि मम्मी आज 5 दिन से झगड़ा चालू है तो हम 5 दिन से खाना नहीं खाए आहन, 4 दिन से पानी नहीं पिए आहन। अभी हमका साहब नहीं पता है कि लोग जानत रहे के जान के करीन ये हमका देखा ये नहीं पता है, लेकिन इतनी दुर्घटना हमारी लड़की के संगे भाई। खबर रीवा जिला के लालगांव चौकी के अंदर आवे वाले भटवा बाजार के बांस चौराहा से ही, जहां मोटरसाइकिल चलाए रहे व्यक्ति के महिंद्रा जीप्स के ठोकर लगे से घायल हुई।
मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार आदमी पशु विभाग में कर्मचारी है, जो वर्तमान में हिनौती इलाका में पदस्थ है। बताए दें कि दुर्घटना में पीड़ित के दहिना पैर टूट गया है। जोनी जीप से दुर्घटना भई ही वह जीप पीएचई विभाग के बताई जात लागी। अपना पंचन का बताए दे कि आसपास के लोगन द्वारा डायल 100 और डायल 108 का सूचित कीन का, जेके बाद मौका में पुलिस के द्वारा जीप का अपने कब्जा में ले लीन का है। बताए दे कि दुर्घटना में घायल आदमी का गगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के खातिर भेज दीन का है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना भतीजे हमारे ट्यूशन आ रहे थे तो ये टिट्टा वो में अराजी का फंस गए, तो एक उस साइड बड़ा वाला गया अम्बुज अनुज अंदर चला गया। अच्छा, ट्रैक्टर किसका है? ये लालू प्रसाद पटेल। ड्राइवर भी वही थे? वही ड्राइवर थे। अच्छा, तो ड्राइवर कहाँ गए फिर? ड्राइवर भाग गए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे की प्रक्रिया अभी थोड़ा इंतजार है। किसका इंतजार है? टीआई साहब का। हाँ, अभी तक टीआई साहब नहीं आए? अभी नहीं आए। ये घटना कितने बजे की है? 6 बजे हो गई। ये एक्सीडेंट का केस है और क्या बोलते हैं, वो मेरे चाचा का लड़का है राजीव यादव, उसके पापा का नाम है, और ये कोचिंग जा रहा था। सुबह 5:30 के लगभग घटना हुई है। ये कोई लालू पटेल नामक व्यक्ति है, यही टीकर पटपराहा टोला का है, जिसका ये ट्रैक्टर है, और उसका ड्राइवर जो है उसका नाम है बिहारी पटेल है। तो ये जो लालू पटेल है जिसका ये ट्रैक्टर है, वो भी नंबर 1 का शराबी है, माहौली है, गांजा हो जाए। ये लोग जो है तो 24 घंटे जो है तो नशे में धुत रहते हैं, और ये जो है तो नशा करते हुए और नशा करके जो है तो गाड़ी चलाते हैं। बताइए, आए दिन इसके पहले भी जो है तो कई FIR भी इसके नाम हो चुके हैं लालू पटेल के नाम, और जो है तो ये जो है तो एक प्रकार से कहा जाए तो असामाजिक तत्व के लोग हैं। ठीक है, आए दिन ये घटना को अंजाम देते रहते हैं, और जो है तो कार्यवाही कुछ नहीं होती। मैं आपसे बता दूं कि ये जो घटना है तो ये सुबह 5:30 के लगभग हुई है ये घटना। ठीक है, और उसके बाद जो है तो 100 नंबर का 1.5-2 घंटे बाद जो है तो एक सिपाही आता है जिसका नाम है राहुल, उससे अगर कहा जाता है कि आपकी टीम क्या कर रही है, अभी तक बताइए कि आई नहीं है टीम, कोई कार्यवाही बढ़ नहीं रही है, तो उसका क्या कहना है कि आप फालतू बात कर रहे हो। बताइए, किसी के घर में ये घटना हुई है और फालतू बात उसको लग रही है। बताइए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद ये पुलिस वगैरह आते हैं, बताइए अभी 2 से 2.5 घंटे, और मुझे बताइए, मैं उसका भाई हूँ, चाचा का बड़े पापा का लड़का हूँ, बताइए मुझे, मैं रीवा में रहता हूँ, रीवा से टीकर आने में मुझे 10 मिनट लग गए, बताइए गोविंदगढ़ से और 2.5 घंटे इनको लगते हैं, बताइए इस तरह से, बताइए सुरक्षा दे रहे हैं ये, बताइए आगे के प्रशासन से क्या मांगे? अभी देखिए, हमारा कहना ये है कि जब तक वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक बॉडी उठने वाली नहीं है, और जब तक SP साहब नहीं आ जाते यहाँ, तब तक बॉडी नहीं उठती। मतलब SP साहब के आने के बाद? हाँ, SP साहब आ जाते हैं जब ही बॉडी उठने वाली है, और नहीं तो नहीं उठेगी बॉडी। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? पुलिस प्रशासन द्वारा कहा यह जाता है कि बॉडी अभी उठा लेते हैं और पंचनामा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है तो कार्यवाही जारी। तो मेरा भी कहना ये है कि जब तक कार्यवाही मेरे सामने नहीं हो जाती, जब तक बॉडी नहीं उठने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि घटना हो जाता है, और घटना के उपरांत जब माहौल ठंडा हो जाता है तो उसके बाद पुलिस भी ले दे के काम कर जाती है और चुपचाप से बैठ जाती है। तो मैं उस चीज़ को जानता हूँ, इसलिए बॉडी जब तक नहीं उठती है, जब तक मेरे सामने कार्यवाही नहीं हो जाती, और जब तक SP साहब नहीं आ जाते। उसमें आक्रोशित हो गए थे और चक्का जाम का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के समझाइश पर लाश को वहां से PM के लिए भेज दिया गया था। अभी जो है स्थिति सामान्य है। आक्रोशित परिजन क्या मांग थी कि इसे चक्का जाम करने का प्रयास कर रहे? उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन ये था कि एक्सीडेंट से वो बच्चे को देख करके उनके मन में जो है आक्रोश था, उसी आक्रोश की वजह से किया है। उनको समझाइश देने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, परिजन के साथ जो है लाश को शव को जो है PM के लिए भेज दिया गया। आज खातिर इतने। बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।